डियर स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग आई होप यू आर फाइन इन आवर प्रीवियस क्लास वी रीड अबाउट वाट इज विलेज वाट इज़ विलेज पंचायत बेटा ये आपने पढ़ा था आपने उसे ध्यान से पढ़ा होगा बेटा समझा भी होगा कि वाट इज विलेज एक विलेज क्या होता है एक विलेज क्या होता है आपने पढ़ा था कि इन विलेज इज़ द प्लेस वेयर मेजोरिटी ऑफ द पीपल ऑफ़ इंडिया लिव ठीक है ओ आवर कंट्री लिव एक ऐसा प्लेस जहाँ पर इंडिया के ज़्यादातर लोग रहते हैं ना वो प्लेस क्या होता है विलेज होता है ठीक है फिर पंचायत क्या होती है बेटा पंचायत एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होती है विच प्रोवाइड ऑल फैसिलिटीज टू द विलेजर्स जो विलेजर्स को ऑल फैसिलिटीज प्रदान करती है बेटा ठीक है वो होती है अब फिर क्या था बेटा कि इनको इलेक्ट कौन करता है कौन इन बेटा इनको चुनता है इनको चुनने का काम बेटा कौन करता है विलेजर्स करते हैं और वो विलेजर्स करते हैं बेटा जिनकी एज 18 इयर्स या इससे ज़्यादा हो गई है ठीक है तो वो क्या करते हैं अपना एक सरपंच चुनते हैं बेटा और पंचीज का चुनाव करते हैं ठीक है और फिर वो सरपंच जो होता है ना बेटा वो क्या होता है वो इसका ग्राम पंचायत जिसे ग्राम सभा भी कहा जाता है ना बेटा इसका हेड होता है मुखिया होता है ठीक है और फिर बेटा आपने ये भी पढ़ा था और आपको याद भी हो गया होगा कि जो विलेज पंचायत है ये क्या क्या अरेंजमेंट करवाती है विलेज में ठीक है ये विलेज में क्या करवाती है बेटा आज हम उसको फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं ये क्लीननेस ऑफ द विलेज ये गांव में सफाई का प्रबंध करती है ड्रिंकिंग वाटर्स के लिए डिगिंग वेल्स का पर... ठीक है बेटा वेल्स वगैरह खुदवाती है ताकि जो विलेजर्स हैं उनको साफ पीने का पानी मिल सके इसके अलावा बेटा ये रोड्स एंड स्ट्रीट्स की लाइट्स का प्रबंध करवाती है ताकि रात के समय अंधेरा न रहे फिर बेटा क्या कि जो रोड वगैरह जो हमारे टूट जाते हैं या जहाँ पर कंस्ट्रक्शन नए रोड बनवाने ना तो उनको बनाने का काम करती है बेटा इसके अलावा क्या करती है जो प्राइमरी स्कूल हैं ठीक है वन टू फिफ्थ के जो स्कूल होते ना वो प्राइमरी स्कूल होते हैं उनको चलाने का काम करती है बेटा साथ में ये अडल्ट एजुकेशन ठीक है जो प्रौड शिक्षा होती है मींस बड़े लोगों को पढ़ाने की शिक्षा का भी प्रबंध करती है मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करती है बेटा बीमार व्यक्तियों के इलाज के लिए उन्हें मेडिकल हेल्प कैसे दी जाए बेटा उसका प्रबंध करती है इसके अलावा बेटा क्या करती है ये हेल्प करती है कंट्रोलिंग डिजीज ठीक है बीमारियों पर कैसे कंट्रोल किया जाए बेटा उसमें हेल्प करती है ये और भी बेटा बहुत से काम होते हैं जो विलेज पंचायत गांव में करवाती है बेटा आज हम उससे आगे कर रहे हैं बेटा देखिए इससे आगे क्या है ध्यान से समझना है बेटा जब भी आप समझते हो तो आप उसको ध्यान से समझोगे कि मैडम ने क्या बताया है ठीक है और फिर आप उसको वीडियो सुनने के बाद फिर आप क्या करोगे अपनी बुक लेकर के उसमें रीड करेंगे अच्छी तरह से ठीक है बेटा देखिए द ग्राम पंचायत अपॉइंट्स ए ग्राम सेवक और सेविका टू हेल्प विलेजर्स क्या करते हैं बेटा कि जो ग्राम पंचायत है ये एक ग्राम सेवक या सेविका का प्रबंध करती है उसका नियुक्त उसकी नियुक्ति करती है ठीक है एक ग्राम सेवक या सेविका होते हैं, जो क्या करते बेटा घर घर जाकर के विलेजर्स की हेल्प करती है ठीक है आगे देखिए अब आगे है बेटा ग्राम सेविका और सेवक क्या होते हैं बेटा ग्राम सेवक एंड सेविकाज आर दो पीपल वो पीपल होते हैं हु गाइड द विलेजर्स टू इंप्रूव दियर लिविंग कंडीशन मींस जो हेल्प करती है लोगों के ठीक है एक ऐसा व्यक्ति बेटा जो लोगों की हेल्प करता है उन्हें मार्गदर्शन देता है किसमें बेटा उनकी जो लाइव कंडीशन है ना जो रहने की जो स्थिति है ना उसको कैसे सुधारा जाए ठीक है वो अपनी लाइफ स्टाइल को कैसे सुधार सकते हैं ना बेटा उसके लिए उनको गाइडेंस देती है उनका मार्गदर्शन करती है और उन्हें अगर किसी हेल्प की ज़रूरत होती है तो वो ग्राम पंचायत से कह कर के उनकी हेल्प भी करवाते हैं बेटा ठीक है ऑल द विलेजर्स ऑल द विलेजर्स मस्ट हेल्प द पंचायत फॉर वेरियस डेवलपमेंट वर्क लेकिन बेटा इसके साथ साथ जो विलेजर्स है ना उनकी भी ये ड्यूटी होती है कि वो भी पंचायत की हेल्प करे वो भी बेटा पंचायत की हेल्प करते हैं वेरियज जो डिफरेंट उनके गांव के विकास के लिए जो पंचायत काम करती है ना उसमें विलेजर्स भी हेल्प करते अगर विलेजर हेल्प नहीं करेंगे तो क्या होगा गांव का विकास ठीक से नहीं हो पाएगा ठीक है कहीं ना कहीं रुकावट आ जाएगी तो गांव वाले उनकी हेल्प करते बल्कि ठीक है उनके अंदर रुकावट पैदा नहीं करते हैं बेटा ओके आप देखिए बेटा विलेज पंचायत नीड मनी टू डू दीज फंक्शन और बेटा क्या विलेज पंचायत को ये सारे कार्य करने के लिए क्या पैसे की जरूरत होती है ठीक है जो भी काम ये करती है ना विलेज पंचायत गांव में लोगों की हेल्प करती है उन्हें फैसिलिटी जो भी प्रदान करती है बेटा जो भी काम करवाते उसके लिए विलेज पंचायत के पास पैसे होने चाहिए और वो पैसे वो कहाँ से लाती है अब ये देखिए बेटा इट गेट्स मनी थ्रो टैक्सीज ऑन फेयर सॉप्स एंड हाउसेज बेटा ये क्या करती है कि आपने देखा होगा कि टाइम टाइम पर जैसे कोई फेस्टिवल हो जैसे शिवरात्रि है मेला लगा या कोई और त्यौहार आ गया उसके ऊपर मेला लगता है ठीक है तो क्या करती है पंचायत उन फेयर्स के ऊपर क्या करती है टैक्स लगा देती है ठीक है और टैक्स के रूप में उन्हें पैसे मिलते हैं इसी तरह से जो दुकानें होती ना शॉप उनके ऊपर भी बेटा वो टैक्सीज लगाती है और टैक्स में क्या करते हैं दुकान वाले कुछ पैसे देते हैं इसी तरह से हाउस के ऊपर भी टैक्स लगता है बेटा ठीक है तो कहाँ से मिले बेटा उनको पैसे वो टैक्स लगाती है ठीक है गांव में जो भी घर होते हैं दुकानें होती हैं या फेयर वगैरह लगते हैं बेटा उनके ऊपर विलेज पंचायत टैक्स लगाती है और उस टैक्स से उन सबको क्या मिलते हैं उनसे पैसे मिलते हैं आगे देखिए बेटा इट आल्सो गेट्स मनी इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट ठीक है इसके अलावा बेटा और पैसा कहाँ से आता है कि जो राज्य सरकार है राज्य की जो सरकार है ना जिसे राज स्टेट गवर्नमेंट कहा जाता है बेटा वो गवर्नमेंट भी ग्राम पंचायत के पास पैसे भेजती है गांव के विकास के लिए ओके गांव का विकास करना हो तो उसमें हेल्प करती है और उसके लिए वो उन्हें पैसे भेजती है आगे देखिए बेटा आगे है कोऑपरेटिव सोसाइटीज कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती है इन रिसेंट ईयर्स क्या कि अब क्या है बेटा कि अब जो समय है इसमें क्या हुआ है इन पीछे के कुछ समय में बेटा कुछ सालों से क्या किया गया है कुछ समितियां बनाई गई हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई गई हैं ठीक है जो क्या करती हैं फॉर्मड एज इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशंस होते बेटा संस्थाएं वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ अर मेंबर्स क्या करती है ये कि ये वर्क करती हैं किन के लिए गांव के लोगों के लिए कुछ ऐसी समितियाँ कुछ ऐसी सोसाइटीज और इंस्टीट्यूट संस्थाएं बनाई गई हैं जो मेंबर्स जो गांव के लोग हैं ना उनके हेल्प करती है दे डू नॉट हैव दथॉरिटी ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यूनिट्स क्या कि इनको जो है बेटा ये अथॉरिटी नहीं मिली है क्या कि ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स ठीक है गवर्नमेंट से उनको कोई अथॉरिटी नहीं मिली है ये ठीक है बट दे डू प्रोवाइड मैनी सर्विसेज टू पीपल लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने उनको कोई अनुमति नहीं दी है लोगों की हेल्प करने के लिए लेकिन फिर भी ये समितियां स्थापित की गई हैं और ये क्या करती हैं लोगों को मैनी सर्विसेज प्रदान करती हैं ऐसे ही देखिए बेटा कौन कौन सी है जैसे कि एक फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो क्या प्रदान करती है असिस्टेंस टू फार्मर्स ये क्या करती है बेटा ये फार्मर्स की सहायता करती है ठीक है असिस्टेंस होता है सहायता करना कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टोर्स सेल असेंशियल थिंग्स एट चीप रेट्स ये बेटा ये जो फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है बेटा ये चीज़ों को स्टोर करके रखती है और ये जो इनके पास जो चीजें होती है ना इनको ये जरूरी जरूरी, जरूरी चीजें होती है बेटा इनके पास ठीक है और ये उन चीजों को किसानों को सस्ते दामों पर देती है ठीक है सस्ती वस्तुएं देती हैं सस्ते दामों पर देती हैं ताकि वो उन्हें खरीद सके आल्सो सेल स्कूल बुक्स एंड अदर स्टेशनरी आइटम्स इसके अलावा बेटा ये क्या करती है ये और भी बहुत सी चीज़ें जैसे कि स्कूल की बुक्स हैं और स्कूल जैसे पढ़ाई से रिलेटेड जैसे पेन पेंसिल वगैरह ये स्टेशनरी के आइटम्स भी बेटा ये प्रोवाइड करवाती है सस्ते दामों के ऊपर गवर्नमेंट इज आल्सो टेकिंग मैनी स्टेप्स टू स्ट्रेंथ द कोऑपरेटिव मूवमेंट जब बेटा ये लोगों की हेल्प करते हैं तो गवर्नमेंट भी क्या करती है बेटा कई स्टेप्स इनके इनके लिए उठाती है ठीक है और कोऑपरेटिव मूवमेंट को ठीक है कोऑपरेटिव सोसाइटी को और स्ट्रोंग बनाने के लिए ताकि लोगों की हेल्प कर सके गवर्नमेंट क्या करती है बहुत से स्टेप उठाती है और इनकी हेल्प करती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज की कोऑपरेटिव आर फाउंड इन विलेजेस ये कोपरेटिव टीव कहाँ पाए जाते हैं बेटा ये विलेज में पाए जाते हैं टाउन्स में भी होते हैं बेटा सिटीज़ में भी होते हैं बेटा ये हर जगह टाउन हो चाहे विलेज हो चाहे सिटीज़ हो हर जगह पर बेटा ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं जो लोगों को सस्ते दामों पर चीज़ें प्रदान करती हैं दे आर फेमिलियर विद द पीपल लिविंग इन द एरिया और बेटा ये क्या करती हैं कि जो उनके एरिया में जो लोग रह रहे हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटी और उस सोसाइटी के अंडर में जो लोग आते हैं ना ये उन सभी को हेल्प देती है दस दे आर मोर एफिशिएंट टू प्रोवाइड देयर बेटर सर्विसेज ताकि ये क्या कर सके बेटा और अच्छे तरीके से काम कर सके बेस्ट सर्विसेज इन्हें देती है ताकि ये और अच्छा काम कर सके बेटा आगे देखिए अब है बेटा फैक्ट फाइल फैक्ट फाइल में देखिए बेटा महात्मा गांधी एडवोकेट ए गिलाइज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर ईच विलेज इज रेस्प़ॉन्सिबल फॉर इट्स अफेयर इट्स ओन अफेयर एज द फाउंडेशन ऑफ इंडियाज पोलिटिकल सिस्टम द टर्म ही फॉर सच ए विजन वाज़ ग्राम शवराज ठीक है बेटा क्या कि यहाँ से क्या पता चला बेटा कि महात्मा गांधी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पंचायती राज की स्थापना की और इन्होंने क्या किया बेटा पहली बार ग्राम स्वराज का इस टर्म का यूज किया था लोगों की हेल्प करने के लिए ठीक है बेटा आज का ये आपका वर्क है बेटा जो हमारा रिमेनिंग लेसन था वो आज हमारा खत्म हो चुका है आप इसे अच्छी तरह से बेटा पूरे लेसन को रीड करेंगे और समझेंगे बेटा ओके थैंक्स बेटा